The next one is functions of prime minister. Now prime minister is very important person in our country. He is the pivot and the entire administration revolves around him or her. वो बहुत important person है, वो center है हमारी administration का और जितना भी work है वो उसके आसपास, उसके चारों तरफ ही होता है, जितने भी administration working है, जो decisions लेने हैं वो प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ ही घूमता रहता है ओके एज हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज रियल पावर्स द मेन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर फर्स्टली उसकी पावर कौन सी है हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ही जस्ट रेफर्स हिज और हर मिनिस्टर्स नेम टू द प्रेजिडेंट वो अपने मिनिस्टर के नेम्स प्रेजिडेंट को रेफर करते हैं और प्रेसिडेंट उन्हीं मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनाते हैं ओके okay? तो उनका फर्स्ट फंक्शन है पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करते हैं ओके सेकेंड टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की मीटिंग्स को प्रिजाइड यानी कि उनको होस्ट करना उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर वेरी गुड नेक्स्ट टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्क को चेक करना दैट वेदर दे आर डूइंग प्रॉपर वर्क और नॉट देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स इन आर गवर्नमेंट कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो ये सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे और मिलजुल कर वर्क करें कोऑर्डिनेशन में वर्क करें ये सब चेक करना किसका वर्क है प्राइम मिनिस्टर का वेरी गुड टू एडवाइज़ द प्रेसिडेंट और टू समन और प्रोग्यू द सेशन और टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं कि वो लोकसभा का सेशन बुलाएं, कॉल करें लोकसभा को ठीक है और डिसॉल्व भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अगर कहे प्रेसिडेंट को के टर्म से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और न्यू इलेक्शंस हेल करवाए जाएं, तो ये भी उनके पास पावर है टू एडवाइज प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट टू सम्मन और प्रोग्यू द सेशन सेशन को कॉल करने के लिए प्रेसिडेंट को वो एडवाइस कर सकते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए भी वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं ओके okay? और एक और एडवाइजरी फंक्शन और पावर है इनके पास टू एडवाइज़ प्रेसिडेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन की हो ऑडिटर जनरल की हो एम्बेसडर्स की हो किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद ही की जाती हैं ओके एंड प्राइम मिनिस्टर आल्सो एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के मीटिंग uh, में ठीक है तो वो पूरी कैबिनेट तो बताने नहीं जाएगी ना प्रेसिडेंट को सो so, बिकॉज कैबिनेट के हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सो इट इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द प्रेजिडेंट अबाउट देयर डिसीजन ठीक है तो ये कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड की ड्यूटी है कि वो अपने डिसीजन के बारे में प्रेजिडेंट को इन्फॉर्म करें सो ही वर्क्स एज अ लिंक वो दोनों के बीच में लिंक का काम करता है लिंक क्या होता है जोड़ने का काम करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जोड़ने का काम करते हैं लिंक बनते हैं उनके बीच में जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में या कैबिनेट की मीटिंग में लिए जाते हैं वो प्रेजिडेंट को कौन बताता है प्राइम मिनिस्टर और अगर प्रेजिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है कि टू रीथिंक अबाउट द डिसीजन और टू री अबाउट द लॉ तो ऐसी प्रेसिडेंट की जो डिसीजन है उनके बारे में काउंसिल को कौन बताता है प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो ऑन द होल ही एक्ट एज द लिंक ओके प्राइम मिनिस्टर्स व्यूज ऑन वेरियस पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर वेल्यूड एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के हेड को प्रॉपर वेटेज दी जाती है उनकी बात को पूरा सुना जाता है और अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ही वर्क किया जाता है जितने भी वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पर जो भी वो व्यू देते हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप जो कहेंगे वो राइट right है ओके मीन्स बॉस इज ऑलवेज राइट वो वाला ठीक इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन एंड व्हील्ड्स अ लॉट ऑफ पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजिशन रखता है ऑक्यूपाइज ही है ऑक्युपाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन किसकी होती है प्राइम मिनिस्टर की ओके So, this is about the functions of Prime Minister. And with this, the chapter is completed. And you have to read the chapter and find out the book exercise and part D. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.